ग्वालियर में अवैध कट्टे के साथ और अश्लील भाषा का प्रयोग करते हुए एक लड़के ने अपना वीडियो बनाया था। बाद में वह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था। वायरल वीडियो पुलिस की क्राइम ब्रांच के पास पहुंचा था। क्राइम ब्रांच की टीम ने मामले की निगरानी को लेकर पड़ताल शुरू की है। आपको बता दें, क्राइम ब्रांच की टीम ने वीडियो में दिखने वाले लड़के को पहचान कर पकड़ लिया है। आरोपी नाबालिग निकला है। अवैध कट्टे के साथ वीडियो बनाने वाला लड़का 11वीं का छात्र है। उसके पिता किराने की दुकान चलाते हैं। उसके पास से 315 बोर कट्टा और कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया है।